नमस्ते ब्रजाचारी बीड, आपका स्वागत है। आज भाई एक चीज दिखाऊंगा मैं आपको कि इंडियन जो आज के टाइम पे इंश्योरेंस कराते हैं गाड़ी का, और इंश्योरेंस कराने के बाद में उसको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्या क्या प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है, उसके बाद में आपको पता है कि बंदा कितना परेशान होता है, कितना परेशान नहीं होता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ आपको क्यों मेरे पास जो इग्निस है ना, मैं आपको बात उतार के बैक कर लूँ गाड़ी, उसके बाद दिखाता हूँ मेरे पास जो इग्निस है और मेरे भाई के पास भी इग्निस है। आपको खुद को पता है हमारे घर में दो इग्निस हैं, है ना। मैं आपको एक बार गाड़ी दिखा दूँ, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट है, गाड़ी दिखा दूँ आपको एक बार। देखो मेरे पास भी इग्निस है, ये वाली ब्लू कलर की। हमारे पास एक इग्निस और है, दो इग्निस है। तो उस गाड़ी का हो गया था बम्पर डैमेज, मैं आपको गाड़ी भी दिखा दूंगा, पूरी पूरी सब चीज़ दिखा दूंगा, तो इस हिसाब से आपको बताऊंगा जरूर। बैठता हूँ, क्या क्या परेशानी हुई, क्या नहीं हुई, वो चीज़ दिखाता हूँ। तो भाई हमारा जो इंश्योरेंस था ना, हमारा जो इंश्योरेंस था वो था यूनिवर्सल सोम्बो से। अब यूनिवर्सल सोम्बो से इंश्योरेंस था तो भाई हमने गलती कर दी यूनिवर्सल सोम्बो से इंश्योरेंस लेके। यूनिवर्सल सोम्बो से इंश्योरेंस लेके हमने गलती कर दी। तो हमने यूनिवर्सल सोम्बो से इंश्योरेंस लिया, गाड़ी का डैमेज क्या हुआ भाई कि मतलब बम्पर डैमेज हुआ और छोटी पूरी जो चीज़ अपनी ख़राब हुई वो डैमेज हो रखी थी। तो उसी के हिसाब से है ना, गाड़ी में थोड़ा सा काम था। तो भाई यूनिवर्सल कंपनी ने क्या किया भाई, उस कंपनी उस गाड़ी का नो क्लेम कर दिया। क्यों? ओनली दो नट के वजह से। मैं नट भी दिखाऊंगा आपको, मेरी गाड़ी में नट लगे हुए हैं, नहीं लगे हुए, वो चीज़ भी आपको दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा डालने। तो अब यूनिवर्सल सोम्बो का भाई उन्होंने नो क्लेम कर दी गाड़ी। नो क्लेम करने के बाद में अब क्या कहते हैं, पेच लगा रखे थे उन्होंने, पेच लगे थे गाड़ी में। तो पेच में भाई गाड़ी में पेच बम्पर में लगा नहीं सकता क्या बंदा, अगर टिकाने के लिए बंदा पेच लगा ले, कुछ लगा ले। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, पेच उन्होंने मेरी गाड़ी में लगा रखे, तो मैं अपनी गाड़ी में पेच दिखाता हूँ कि मेरी गाड़ी में पेच कहाँ पे लगे हुए। ये है, जैसे मैं तिराए पे आ गया अपने घर के बाहर में, तो देखो एक मिनट पेच दिखाता हूँ, मेरी गाड़ी में पेच लगा रखे हैं मारुति वालों ने, खुद की गाड़ी में पेच लगा रखे हैं, खुद लोग पेच लगा देते हैं। तो मैं आपको पेच भी दिखा दूँ एक बार, यहाँ रोक के रोको, पेच दिखाता हूँ, देखो पेच दिखाऊँ एक बार आपको। देखो मेरी गाड़ी खुद में पेच लगा रखी है, देखो ये लगे हुए पेच, ये लगे हुए, ये लगे दिख रहे होंगे आपको, ये पेच लगा हुआ है, इस तरह पूरे पेच लगा हुआ है। तो ये यार मुझे परेशानी तो आई है भाई इन लोगों से, इतनी दिक्कत तो है, पेच तो लगा रखे हैं इन लोगों ने, ठीक है। चलो अब एजेंसी पहुंचते हैं, एजेंसी पहुंचने के बाद में आपको दिखाता हूँ भाई कि डैमेज क्या क्या का था गाड़ी के अंदर, क्या क्या डैमेज नहीं था, वो अब सब चीज़ दिखाता हूँ आपको, फिर आप मिलता हूँ आपको बाद में। और ऑनर का रिव्यू दिलाऊंगा आपको, उसका ऑनर भी कितना परेशान हो गया था, कितना परेशान है, वो भी आपको सब चीज़ें मैं बताऊँगी बताऊँगी, क्योंकि मेरे छोटे भाई गाड़ी तो यही चीज़ है, मैं आपको मिलाऊंगा जरूर, ठीक है भाई। बैग ले ले भाई थोड़ी सी। पानी से कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होगा पानी से, आगे पीछे पे डाला, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। धुल गई, दिख तो है नहीं रही धुली भाई, हैं? ये मारुति की सच्चाई है भाई, इस गाड़ी को नो क्लेम कर चुके हैं। नो क्लेम कर दी इस गाड़ी को, गंदी देखो कितनी है गाड़ी, गाड़ी गंदी गंदी देखो कितनी है, नो क्लेम हो गई दोस्ती वाली गाड़ी, नो क्लेम। अंदर से दिखा दो, निकाला मैंने बम्पर इस गाड़ी का, ओनली यहाँ से ही पेच लगाता है इसमें, यहाँ से पेच लगाता है इसमें, देखो मैं आपको दिखाऊँ, ये ऐसे पेच लगे थे इसके अंदर, ऐसे पेच लगे थे, ये पेच निकाला बम्पर वाले पेचों से टिका था, ये निकल गया पूरा। 0525 नंबर दिखा देता हूँ आपको,
बम्पर के वजह से नो क्लेम कर दी। नंबर भी देख लो एक बार, नंबर देखा इसका, देखो नो क्लेम कर दी इसको, ओनली इस पेच के वजह से। मैं आपको पेच भी दिखा दूँ, लगा होगा इसमें, ये निकल गया, ये लगा है देखो, ये पेच लगे इसी बम्पर के लगे, ये लगा और इसका लगा, और ये पेच लगा है देखो, ये लगा हुआ है पेच, इस पेच पे नो क्लेम कर दी, पूरा बम्पर निकल गया। अब बताओ मैं मारुति को क्या कहूँ, है ना, रखा रहने दे इसको, रखा रहने दे इसको, आते हैं भाई किसी बंदे को और बुलाता हूँ। अब लेके जा रहे हैं इसको कहाँ पे, बड़े शोरूम पे, एजी ऑफिस वाला जिनका जो शोरूम है ना, वहाँ पे लेके जा रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं भाई, गंदी देखो कितनी गाड़ी है, चाबी लगा देता हूँ इसी के अंदर, तो पूरा जगह ही ब्लॉक कर गया था भाई। ये शीशे वीशे साफ करवाते हैं इसकी, इतनी गंदी साफ से करवाते हैं, और फिर मिलता हूँ आपको एजी ऑफिस जाके, क्या क्या सुनवाई होती क्या नहीं होती, उसके साथ मिलता हूँ आप लोग। क्योंकि देखो मैं आपको बताऊँ, नो क्लेम क्यों कर दी क्यों नहीं कर दी, मेल वगैरह सब्जी डाल दूंगा, ऐसे ऐसे नो क्लेम कर दी, क्योंकि एक पेज के वजह से नो क्लेम कर दी। मैं आपको बता देता हूँ, एक पेज के वजह से, यहाँ पर जो पेज लगा था ना, मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके पेज के वजह से नो क्लेम कर दी उन्होंने गाड़ी। ये है सारी चीज़ दिखाऊंगा, इंश्योरेंस की सच्चाई क्या है, सच्चाई क्या नहीं है। अब आ गए हम लोग प्रेम मोटर्स, यहाँ पर खड़ी कर दी है, यहाँ पर एजी ऑफिस वाले प्रेम मोटर्स पे, नेक्सा वाले पे, देखते हैं क्या इशू है क्या इशू नहीं है भाई, देखते हैं जो भी रहेगा, क्या कहानी इनके पास होती है क्या कहानी नहीं है। लेकिन गंदी बहुत थी गाड़ी इस वजह से, है ना, ये है मोबाइल लटक गया था बम्पर, इस वजह से दूसरी जगह डालने की कोशिश करते हैं, डलवाते हैं जो भी रहेगा, अपने बताएंगे आपको ज़रूर, है ना। नेक्सा है बगल में, बड़ा परेशान है बेचारा, ये क्या करूँ, कोई सुन ही नहीं रहा। ठीक है, डलवाते हैं भाई, ये क्लेम और इनका ये महफिल लिखा है ना, वहाँ पर लिखवाते हैं, देखो इनके यहाँ पे दोनों के यहाँ पे यही जगह है। चलो मिलता हूँ उन लोगों से, दिखाता हूँ देखो गाड़ी में आपको, गाड़ी कैसी क्या है कैसी क्या नहीं है वो चीज़ आपको सारी चीज़ दिखाता हूँ। ओनर से पूछता हूँ कि ओनर से क्या परेशानी है इनको, क्या परेशानी है, आ जाओ एक बार आप मुझे बताइए क्या परेशानी आई आपको। अरे परेशानी कुछ नहीं थी, बस ये थोड़ा सा बम्पर टूटा था, हाँ तो ये एक्सीडेंट हो गई थी गाड़ी, हाँ बम्पर लटक रहा था, ठीक है, ओनली सिर्फ एक नट लगवाया, ठीक है, पेच, हाँ हाँ, उसी पेच की वजह से हमारी गाड़ी नो क्लेम कर दी, नो क्लेम कर दी। मेल है आपके पास? मेल है, वो मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं उस पर दिखाऊंगा भाई क्या मेल उन्होंने क्या क्या लिख के दिया, क्या रिजन नहीं दिया, ये चीज़ है। अब एक चीज़ बताइए, ये गाड़ी गंदी कैसे हुई आपकी इतनी, ऐसी रखते हो गाड़ी? गाड़ी हमें कंपनी वालों ने ऐसी करके दी, ऐसी करके दी, जो पहले मैंने वीडियो बनाई थी, ऐसी जैसे बिल्कुल 20 साल पुरानी गाड़ी। अब क्या ही बताऊं मैं, कुछ कह नहीं पाऊंगा, ऐसी चीज है, कलर ही बिल्कुल चेंज कर दिया। इंश्योरेंस किस कंपनी का था आपका? सेम इंश्योरेंस दिखा दो एक बार आप, कौन सा कंपनी का, किस कंपनी का नहीं है, दिखाई देते हैं एक बार। अब तो आपको गाड़ी दिखाता हूँ, गाड़ी कैसी क्या कर रही है इन लोगों, देखो भाई देखो कैसी थी और कैसी गाड़ी, छत पे हालत दिखाओ ना आपको, छत कैसी है, आपने खुद ने देखी ली, आप रिपब्लिक वीडियो देख ली होगी, आपने शोरूम बनाई थी उसको आपसे देखी ली होगी, ये चीज़ है भाई। अब मैं आपसे क्या कह दूँ क्या नहीं कह दूँ, देखो इंश्योरेंस दिखाऊँ आपको, इंश्योरेंस किस कंपनी का है इनको, देखो इस कंपनी का इंश्योरेंस है, ठीक है, यूनिवर्सल सोम्बो का, और डेढ़ बार दिखा दो इतना हमारा बचा हुआ है, इतना टाइप का इनका रखो, और सारी चीज़ कवर है इसे इंश्योरेंस के साथ, देख सकते हो पूरी पूरी चीज़ें इसके अंदर कवर है। ये है तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? मेरा कहना ये है, ना तो कोई सुनवाई होती है मारुति में, ठीक है, ना ही कुछ, और बिहेवियर मारुति का सबसे गंदा है, ढंग से बात भी नहीं करता, और बस ये कहते हैं इधर जाओ उधर जाओ, कोई सुनवाई नहीं होती, मतलब स्टेट बैंक बन गए बिल्कुल है? बिल्कुल बस यही चल रहा है, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, सुनवाई कहीं नहीं होती। किसी बंदे सजेस्ट कर दो गाड़ी मारुति गाड़ी ले ले भाई एक बार, भाई बिल्कुल नहीं ले, मैं कहना चाहूंगा मारुति की गाड़ी बिल्कुल ना ले, पक्का पक्का, अगर ले तो पूरी जानकारी के साथ, वरना ऐसा स्कैम आपके साथ भी हो सकता है, एक तरह स्कैम सा हुआ है आपके साथ, एक नट के वजह से गाड़ी नो क्लेम हुई है। चलो भाई थैंक यू अगेन आपका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आपका शुभ नाम हो जाए? नवीन छारी। नवीन छारी भाई एक्चुअली हमारे मिलने वाले हैं, ठीक है, ये चीज़ है। तो गाड़ी नंबर आपको दिखा देता हूँ एक बार, आपको खुद ने मैंने दिखाया था इसको, कौन सी गाड़ी कौन सी, आप गाड़ी बात जानते ही होगे, इस गाड़ी कौन सी हमारी ब्लू कलर की गाड़ी थी ये वाली 0525, क्योंकि मेरे बड़े भाई ने ली थी, लोटन सिंह ने, उन्होंने ली थी वाली गाड़ी। तो भाई गाड़ी वैसे साफ सुथरी है, मैं क्योंकि बम्पर वम्पर नॉर्मल होते रहते हैं, ये चीज़ है। तो भाई जवाब दे दिया है कंपनी ने, ये है। तो कैसी लगी कम इंश्योरेंस कराते समय आप लोग एक बार जान ध्यान दे के करके पूरी इन्फॉर्मेशन लेके आप पूरी चीज़ें करें, उसके बाद आप इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस लें, उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हो भाई, वरना आप इस भाई जैसे परेशान होते रहोगे। ठीक है, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक वीडियो कमेंट करके जरूर जाना, किसी भाई का इंश्योरेंस का मसला हुआ हो ऐसे, उस भाई के साथ आप शेयर कर देना। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सेव ड्राइव, हैव अ नाइस।